Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel, and this is the lecture number 5D of your chapter number 4 of auditing. Because these components could not be completed in 5C video, and therefore I am going to explain you the three components C, D, E and E in this video. And in Hindi explanation I have already explained you that this component number C, but because I thought that it might not be that much clear to some of the students, so that is why I am explaining this component again. So let's get started with the Hindi explanation, and I will mention the timestamp from which the English explanation will get started. Okay, so the South Indian students can just go to the comment box and you will find a pinned comment of English explanation time. So you can just go and click there and you will get the English explanation from that particular timestamp. So starting with the Hindi explanation, जो हमारा component of internal control है उसमें हमारा जो C वाला component है, so that is about your information system including the relating business relevant to financial reporting. But before the C component, I guess I have explained you this D, sorry, yeah, I have explained you this component number D in the previous video, but because मेरे को ऐसा लगा था कि ये उतना clear नहीं हुआ होगा, so that is why I will repeat this component again. Okay, तो अभी तक आप लोग के A और B हो गए हैं, C, D और E हम इस वीडियो में करें. तो जिसने वहाँ से नहीं भी देखा है तो आप लोग ये तीन components इस वीडियो में देख सकते हो. तो पहले मैं D component से start कर रही हूँ, then I'll go with component number C, then with E. तो जो आपका टॉपिक नंबर डी है, दैट इज़ योर कंपोनेंट नंबर डी है, दैट टॉक्स अबाउट कंट्रोल एक्टिविटीज़. अब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑडिटर जब कंट्रोल्स को चेक करता है या यू कैन से इम्प्लीमेंट करता है तो उसको लगानी होती हैं, करनी होती हैं, या अंडरस्टैंडिंग लेता है जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं तो उसमें उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होती हैं. सो द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज़ रेलिवेंट टू द ऑडिट विच द ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो ये तो आपको पता ही है कि हमें उन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है जो हमें रिस्क असेस करने में हेल्प करते हैं. फिर साथ में एन ऑडिटर रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओनली दोज कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटीज़ only those control activities related to significant classes of transactions, account balances and disclosures. And because हम सबको पता है कि timeliness of financial reporting है, that means हमारे पास limited time है and हमें reasonable cost के अंदर अंदर audit अपना ख़त्म करना होता है. तो जब भी हम कुछ भी risk assessment करते हैं, controls check करते हैं, तो हमें ना उन बातों पर ध्यान देना होता है जो material होती हैं, जो significant होती हैं. So that is why जो auditor है he is concerned with only the significant classes of transactions, account balances and disclosures. फिर वो उन्हीं assertion से मतलब रखता है ज़्यादा जो उसको लगता है कि material है. तो ये सब तो यहाँ तक की बातें हो गई. control activities होती क्या हैं? control activities are the policies and procedures, वो policies and procedures जो help करती हैं एक auditor को ये ensure करने में कि जो management के directives हैं वो carried out हो रहे हैं. मतलब जिस तरह से मैनेजमेंट ने डायरेक्ट किया है अपनी एंटिटी को, एंटिटी वैसे वैसे काम कर रही है, और साथ ही में मैनेजमेंट ने जो कि उसका काम है कंट्रोल्स लगाने का वो फॉलो कर रहा है. फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ वेदर विद इन आईटी और मैनुअल सिस्टम्स हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड आर अप्लाइड एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल लेवल्स. तो जो आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं ये ऑटोमेटेड भी हो सकती हैं और मैनुअल भी हो सकती हैं. तो इनके बहुत अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिकॉज अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनुअल है कंट्रोल्स का जो सिस्टम है तो ऑडिटर को उस हिसाब से अपना कंट्रोल का चेकिंग करना होता है, बट अगर ऑटोमेटेड है तो उसको उस हिसाब से करना होता है. ये वाला कंपोनेंट मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट बिकॉज मुझे लगा था कि ये हो सकता है इतना क्लियर नहीं हुआ हो, दैट इज़ वाई आई एम रिपीटिंग दिस. ठीक है ना, तो अगर आपको ये आता है तो यू कैन स्किप दिस, बिकॉज उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप इतना स्किप कर सकते हो. ओके ओके, देन कंट्रोल एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज़ इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू द फॉलोइंग. अब हमारे कंट्रोल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, हम ये चेक करेंगे कि ऑथराइजेशन है या नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल कंट्रोल्स, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस रिव्यूज. तो जो कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ रेलिवेंट टू ऑडिट होगी तो उसी से ही ऑडिटर मतलब रखेगा. कंट्रोल एक्टिविटीज़ में वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, लेकिन जो रेलिवेंट टू ऑडिट होगा उसी से ही ऑडिटर मतलब रखेगा.
अब रेलेवेंट टू ऑडिट कौन कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज़ होंगी? नंबर वन, जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेटेड होंगी सिग्निफिकेंट रिस्क से, ठीक है। फिर नंबर टू, जो ऑडिटर को लगेगा कि अगर वो सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगेगा करेगा तो उसको प्रॉपर ओपिनियन वो उस पर नहीं दे पाएगा, ठीक है। रैप एंड फैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस। फर्स्ट इज योर सब्सटेंसिव प्रोसीजर, सेकेंड इज योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में आपके दो पार्ट्स आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेलिंग एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अगर ऑडिटर को लगेगा कि मैं सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर करके किसी भी ओपिनियन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो फिर वो क्या करता है, वहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है, मतलब कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। तो इसका मतलब उसको कंट्रोल एक्टिविटीज़ करनी होंगी, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पे भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है जिसके ऊपर हम ओपिनियन दे पाएँ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपके लिए थर्ड कौन सी रेलेवेंट टू ऑडिट होगी, जो ऑडिटर को लगता है कि उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में होनी चाहिए। तो वो तीन बातें जो हैं ये हेल्प करेंगी आपको ये डिटरमाइन करने में कि क्या वो कंट्रोल एक्टिविटीज़ रेलेवेंट टू ऑडिट हैं या नहीं है। नाउ एज पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड आर इन द ऑडिटर्स जजमेंट अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो अगर ऑडिटर को लगेगा कि जो रिस्क उसने डिटरमाइन करी वो सिग्निफिकेंट है तो वो उससे रिलेटेड कंट्रोल्स को चेक करेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है कि रिस्क दैट इज़ और रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर सबसे ज़्यादा उससे कंसर्न होता है। नाउ इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शैल कंसिडर एटलीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वाला जो आपका सेकेंड वाला पॉइंट था ना, इसी का इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि प्रोफेशनल जजमेंट तो ठीक है, बट प्रोफेशनल जजमेंट के लिए भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, बिकॉज प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर टू ऑडिटर डिफर करेगी। बट अगर जो ऑडिटर्स हैं, ठीक है ना, वो अगर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जजमेंट लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? अगर वो रिस्क फ्रॉड का है, अब फ्रॉड है तो फ्रॉड तो पकड़ना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिर आपको बहुत अच्छे से करनी होंगी एंड देयरफॉर इट बिकम्स रिलेवेंट टू ऑडिट। फिर उसके बाद में आपका सेकेंड पॉइंट है वेदर द रिस्क इज़ रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट्स, जैसे कि आपका चेंजेस इन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अगर मतलब कुछ भी ऐसा चेंज आया है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंज आया है, तो अगर कोई रिस्क उससे रिलेटेड है तो वो भी आप लोगों के लिए फिर क्या बन जाएगा। मतलब अगर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट दे रहा है और उसको यहाँ पे रिस्क लग रहा है तो ही शुड कंसीडर दिस, ओके। फिर उसके बाद में अगर आपका जो ट्रांजेक्शन्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड पार्टी से हो रहे हैं, अब रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार के साथ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मिली भगत जिसको आप बोल सकते हो सकती है, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई जब भी ऑडिटर को लग रहा है कि इन्होंने इतने सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स, इतने ह्यूज ह्यूज अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड पार्टी के साथ कर लिए हैं, तो फिर वहाँ पे ऑडिटर को स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स रेलिवेंट टू ऑडिट। फिर इसके बाद में द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क स्पेशली दोज मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। मतलब वहाँ पर जो है सब्जेक्टिविटी है, कुछ भी सर्टेन है ही नहीं, अपना सब मतलब अपने हिसाब से सब बोले जा रहे हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मटीरियल अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे कोई भी कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, तो वहाँ पे उस चीज़ पे ऑडिटर को एक डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, और डीप एनालिसिस करने के लिए उसको वो रेलेवेंट टू ऑडिट मानना पड़ेगा। सब्जेक्टिव मतलब क्या, जो पर्सन टू पर्सन जो डिफर करे, बट ऑब्जेक्टिव क्या, जो मोस्टली पर्सन सेम ही ओपिनियन दे। तो वही है कि अगर जो डिग्री है सब्जेक्टिविटी की वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है तो उसको रेलेवेंट टू ऑडिट हम मानेंगे। फिर वेदर द रिस्क इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और दैट अदरवाइज अपीयर्स टू बी अनयूजुअल। अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है या फिर जो मतलब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा वो मतलब जब ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा तो उसको इन रिस्क को एक सिग्निफिकेंट रिस्क मान के चलना होगा एंड उस पर स्पेशली काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारी हो गई प्रोफेशनल जजमेंट की बातें। अब प्रोफेशनल जजमेंट के अलावा नॉन सिग्निफिकेंट रिस्क का जो यहाँ पे जिक्र किया है, तो हम सिग्निफिकेंट रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो रिस्क जो कि रिलेटेड होती है टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स या फिर जजमेंटल मैटर्स, ठीक है ना। मतलब वो ट्रांजेक्शन्स रूटीन के नहीं हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा जजमेंटल मैटर्स हैं, तो अगर कोई ऐसी बातें तो वो क्या बन जाएंगी, वो बन जाएंगी अगर उससे कोई रिलेटेड रिस्क है वो बन जाएगा सिग्निफिकेंट रिस्क। नाउ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स आर ट्रांजेक्शन्स दैट आर अनयूजुअल ड्यू टू इदर साइज और नेचर एंड दैट देयरफॉर अकर इनफ्रीक्वेंटली। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, जो या तो अनयूजुअल होते हैं, या तो मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के होते हैं, या फिर उनका नेचर बहुत अलग सा होता है, एंड जो हम ये मानते हैं कि बार बार नहीं होते हैं, कभी कभी हो सकते हैं।
और जजमेंटल मैटर्स क्या होते हैं? जजमेंटल मैटर्स में इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर विच देर इज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, जो इन्होंने ऊपर बोला था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है उस केस में, अनसर्टेनिटी है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो ऐसे में फिर ये वाली जो रिस्क हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए आपकी क्या बन गई? सिग्निफिकेंट रिस्क। तो सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होती हैं? आर इनहेरेंट रिस्क विद विद बोथ अ हायर लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस एंड हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट। अब सिग्निफिकेंट रिस्क बिकॉज उसमें ह्यूज अमाउंट है और मतलब बहुत अनयूजुअल नेचर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हो भी सकते हैं, एंड अगर वो होंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस स्टेटमेंट कंपनी में हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये है आपके सिग्निफिकेंट रिस्क। नाउ द ऑडिटर असेसेस असर्शंस अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट रिस्क इज हायर इनहेरेंट रिस्क। नाउ द फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क। ये जो फॉलोइंग है ये हमेशा ही सिग्निफिकेंट रिस्क होती है, जो उन्होंने ऊपर भी दिया था, ड्यू टू फ्रॉड फर्स्ट पॉइंट जो इनका था ही, और जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ एंटिटी है, तो ये दोनों रिस्क को हम हमेशा ही सिग्निफिकेंट रिस्क मानेंगे, ठीक है ना? अब रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। अब मतलब सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन, सिग्निफिकेंट रिस्क और जजमेंटल मैटर्स दोनों आप लोगों को पता चल गया। अब इन्होंने ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना, ये सिंपली वो हैं कि मतलब रिस्क जो है वो कब ज़्यादा होगी सिग्निफिकेंट वालों से भी, रिस्क कब ज़्यादा होगी जजमेंटल मैटर्स से भी, तो इन्होंने बस यही दिया है। तो जो हम ये मानते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट मे बी ग्रेटर, ठीक है? अब सिग्निफिकेंट में भी लेवल्स हो सकते हैं ना, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट, कोई कम सिग्निफिकेंट। तो ऐसे में ना मतलब ज़्यादा रिस्क कब होगी? सबसे ज़्यादा रिस्क तब होगी अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन है टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब जैसे आप नॉर्मली ले लो, कोई आपसे बात कर रहा है या फिर आपको किसी चीज़ पे डाउट है, ठीक है ना? अब ऑडिटर तो जाता ही उससे है ना, एटीट्यूड से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाले, क्वेश्चनिंग माइंड में, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ठीक है ना? तो क्या होता है ना, लाइक अगर आप किसी से बात कर रहे हो एंड जो आपके दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये बंदा गलत हो सकता है, एंड उसके ऊपर भी वो जो बंदा है जिस पे आप डाउट कर रहे हो वो किसी बात को ओवर एक्सप्लेन करे जा रहा है, ओवर जस्टिफाई करे जा रहा है, तो क्या होगा? आप अपने माइंड में लगाओगे दाल में ज़रूर कुछ काला है, दया यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, राइट? सो यही बोल रहा है कि अगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक तो इंटरवीन कर रहा है, साथ ही में वो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको ओवर जस्टिफाई कर रहा है, तो ऐसे केस में जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है उसकी जो रिस्क होगी वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगी। फिर इसके बाद में अगर मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है, अब मैनुअल इंटरवेंशन तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क ज़्यादा ही होगी इन कंपैरिजन टू आईटी, ठीक है ना? तो अगर मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग के लिए तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे होंगे, बट अगर ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर रिस्क हम सबसे ज़्यादा मानेंगे। फिर उसके बाद में अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, या फिर जो नेचर है ना नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस का, विच में मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द एंटिटी टू इंप्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स, नेचर जो है ऐसा उसकी वजह से इफेक्टिव कंट्रोल ही नहीं लग पा रहे हैं, तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस की रिस्क है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगी। फिर उसके बाद में अब हमारा आता है जजमेंटल मैटर्स में, तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ग्रेटर मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स दैट रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अराइजिंग फ्रॉम मैटर्स सच एज। तो उसमें कब ज़्यादा हो सकती है जजमेंटल मैटर्स में? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और रेवेन्यू रिकॉग्निशन मे बी सब्जेक्ट टू डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग जो है वो ओपिनियन दे रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग दे रहे हैं, तो ऐसे में फिर क्या हो जाएगा? जजमेंट आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एंड रिस्क क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ऑडिटर अपनी हद तक बेस्ट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, फिर भी अगर उसको लगेगा कि वो जो है सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रहा है तो वो क्या दे देगा? मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, ठीक है ना? फिर उसके बाद में रिक्वायर्ड जजमेंट मे बी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर अजम्पशंस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू। अब अगर जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है या फिर कॉम्प्लेक्स है, उस पर डिसीजन लेना जो है वो एकदम से ईजी नहीं है, जैसे फेयर वैल्यू का हो गया, तो ऐसे केस में वो रिस्क क्या हो जाएगी, उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाएगी। एंड इन केसेस में वैसे तो बहुत सारे जजमेंटल मैटर्स हैं, बट ये कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आई होप जिसको भी समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज आई ऑल्सो फाउंड दैट आई वॉज नॉट दैट मच क्लियर इन दैट वीडियो, ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, बट एक्चुअली आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, ठीक है ना? तो दैट इज़ वाई मैंने इस टॉपिक को फिर से कवर किया है, बिकॉज जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती हूँ तब तक मैं किसी टॉपिक को
कुछ होती नहीं हूँ, बट फिर भी इफ़ आई एम लैकिंग एनी वे देन प्लीज़ डू कॉमेंट कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये लाइन समझ में नहीं आई, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट वाला कॉम्पोनेंट स्टार्ट कर लेते हैं, एंड दिस इज़ योर कॉम्पोनेंट नंबर सी. ठीक है ना, फिर हमारा ई बचेगा एंड देन आई विल एंड द वीडियो फॉर हिंदी स्टूडेंट्स, मीन्स द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन हिंदी. ओके, तो आपका जो सी वाला कंपोनेंट है वो है द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन. तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंक्लूडिंग द रिलेटेड, नाउ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप लोगों ने ईआईएस में पढ़ा होगा. इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब वो हुआ डेटा, पीपल, नेटवर्क, ये सब. ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस भी आ रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो वो भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल का पॉइंट बन जाता है, बिकॉज डेटा फीडिंग, डेटा प्रोसेसिंग सब कुछ आईटी के थ्रू हो रहा है. ठीक है, पीपल, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डेटा होता है, पीपल होता है, नेटवर्क होता है. ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एंटिटी के लोग हो गए, एंटिटी का डेटा हो गया, नेटवर्क हो गया, सब कुछ तो इसी पे डिपेंड करता है. तो ये तो फिर आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट बन गया ना इंटरनल कंट्रोल का. तो उसके अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड कर रखे हैं, वो बिजनेस प्रोसेसेस भी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है. सो द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर बिजनेस प्रोसेस भी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से जो कि रिलेटेड है. तो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, अब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा, तो ये जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं ये किस बारे में हो सकते हैं, द क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड द एंटिटीज ऑपरेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब वो जो एंटिटी के जब ऑपरेशंस हो रहे हैं तो कुछ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस जो कि सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. ठीक है ना, तो उस चीज़ का आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस लेना है, क्योंकि वो जो सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस है, दिस इज़ बेसिकली दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट SCOT, सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस. तो उसके ऑडिटर को डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए. देन द प्रोसीजर बाय विच दोज ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, करेक्टेड एज नेसेसरी, ट्रांसफर टू द जनरल लेजर एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जो प्रोसीजर बाय विच दो, मतलब वो प्रोसीजर जो हम लोगों ने अभी पीछे देखे थे सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो वो प्रोसीजर जिससे कि वो वाले जो ट्रांजेक्शंस हैं वो इनिशिएट हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्रोसेस्ड हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, एज नेसेसरी जनरल लेजर में भी ट्रांसफर हो रहे हैं एंड रिपोर्ट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों को उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो कि सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं. ठीक है ना, फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या लेना है, जो उनका एक जो प्रोसीजर है उसकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये प्रॉपरली रिकॉर्ड तो हो रहे हैं ना, प्रॉपरली कंट्रोल्स तो है ना इनकी रिकॉर्डिंग के लिए, इनकी जो प्रोसेसिंग है इनकी करेक्शन के लिए. ठीक है ना, फिर उसके बाद में आपका सी वाला पॉइंट है द रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर यूज टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट ट्रांजेक्शन्स. फिर उसके बाद में द रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो कि इस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो मतलब सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, वो कैसे इनिशिएट, रिकॉर्ड और प्रोसेस हो रहे हैं, उसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है. फिर उसके बाद में हाउ द इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और ये जो आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, डेटा, पीपल, नेटवर्क वगैरह, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो ये सब, ये जो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि आपने एंटिटी में लगा रखा है, ये इवेंट्स एंड कंडीशंस को जो कि इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, सिग्निफिकेंट है, उनको कैसे कैप्चर कर रहा है, इस चीज़ की भी ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है. फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो प्रिपेयर करने में यूज़ हो रहा है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एंड कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज. तो ये सारी की सारी चीज़ों की ऑडिटर को क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है. एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या है, सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस, देन प्रोसीजर जो उसको इनिशिएट, रिकॉर्ड एंड करेक्ट करने के लिए हो रहा है, देन रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, फिर जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसने इवेंट्स एंड कंडीशंस को कैसे कैप्चर किया है एंड कंडीशंस को, मतलब फिर उसके बाद में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूज़ हो रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूज़ हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, एंड जो आपने जनरल एंट्रीज के लिए कंट्रोल्स लगा रखे हैं, इन सारी की सारी बातों की ऑडिटर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है. ठीक है ना, तो इन सब पे जो भी मतलब कंट्रोल्स वगैरह लगाए हैं, बेसिकली द वी आर टॉकिंग अबाउट कि उन कंट्रोल्स के ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है. नाउ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बाय द ऑडिटर. सो द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एंटिटी कम्युनिकेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग. तो ऑडिटर को इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि जो एंटिटी है वो अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको कैसे कम्युनिकेट कर रही है, एंड उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या वो उसके साथ कंप्लाई कर रही है.
तो उसमें क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड DCWG. तो मतलब मैनेजमेंट एंड DCWG में कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए. लाइक मैंने आप लोगों को एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि DCWG कौन हो गए, दादा दादी जी, एंड मैनेजमेंट कौन हो गए, मम्मा पापा. ठीक है ना, तो मम्मा पापा एंड दादा दादी जी के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मतलब उनके बीच में बात ही ना बन रही हो, वो दोनों एक दूसरे से एग्री करें, कम्युनिकेशन हो प्रॉपर, जिससे कि कुछ ऐसा ना हो कि आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाए. ठीक है ना, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सच एज दोज विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. एंड साथ में एक तो हमने इंटरनल कम्युनिकेशन भी प्रॉपर रखा है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी प्रॉपर रखा है. एंड इसी के बाद में जो भी हमारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम आउटसाइडर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है ना, फिर उसके बाद में द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड. तो फॉलोइंग पॉइंट्स आपको कंसिडर करने, अगर आप मैनेजमेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेक करना चाहते हो या फिर ये चेक करना चाहते हो कि उन्होंने कम्युनिकेशन प्रॉपर किया है या नहीं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो कम्युनिकेशन बाय द एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वुड इन्वॉल्व. तो इसमें इन्होंने ऊपर दिया था ना कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आप कैसे लोगे. सो वुड इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्टेनिंग टू इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि क्या मतलब मैनेजमेंट ने प्रॉपर कंट्रोल्स लगाए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर. फिर इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज़. सो इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग बाई एम्प्लॉयज एज टू हाउ देयर एक्टिविटीज़ रिलेट टू द वर्क ऑफ अदर्स एंड द मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग एक्सेप्शन टू हायर लेवल विद इन द एंटिटी. तो ये मतलब रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में इसमें आ गया, इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग बाय एम्प्लॉयज़. तो मतलब जो लोग हैं, ठीक है, जो एंटिटी के लोग हैं, क्या उन्होंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ली है एंड उनका वर्क कैसे रिलेट कर रहा है. ठीक है, एंड द मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग एक्सेप्शन टू अ हायर लेवल विद इन द एंटिटी. तो मतलब आप जो रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है जो बेसिकली ऑडिटर के कंसर्न का है, तो ऑडिटर को इस बात की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो भी उसके वर्क से कंसर्न लोग हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, या फिर मतलब जो भी उनका वर्क आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से एसोसिएटेड है, तो क्या मैनेजमेंट ने उसकी प्रॉपर यू कैन से रिपोर्टिंग कर रखी है. ठीक है, एक बस इस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं. इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग बाय एम्प्लॉयज़ एज टू हाउ देयर एक्टिविटीज़ रिलेट टू द वर्क ऑफ अदर्स एंड द मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग एक्सेप्शन टू हायर लेवल विद इन द एंटिटी. तो इसका बेसिकली ये मतलब हो गया कि ऑडिटर जो है वो एम्प्लॉय के वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेगा कि जो एम्प्लॉय का वर्क है वो कैसे रिलेट कर रहा है. ठीक है, एंड द मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग एक्सेप्शन टू अ हाई लेवल ऑफ एंटिटी विद इन द एंटिटी, ये हो गया कि जैसे एम्प्लॉयज़ को अगर लग रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है, तो क्या कुछ मतलब ऐसा है कि ऑडिटर एम्प्लॉयज़ को इस बात की समझ है कि यहाँ कोई एक्सेप्शन होगा तो हम हाई लेवल को रिपोर्ट करेंगे. तो इस चीज़ की ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो रिलेटेड लोग हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में. बेसिकली दे मीन दिस. ठीक है, फिर पॉलिसी मैनुअल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स. तो कम्युनिकेशन में टेक सच फॉर्म्स एज पॉलिसी मैनुअल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स. तो इसमें मतलब बस यही है कि ये जो मैनुअल्स है कम्युनिकेशन में, ये दोनों भी इंक्लूड हो सकते हैं. देन ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स भी होना चाहिए जिससे एक्सेप्शन अगर हैं तो रिपोर्ट हो जाए. ठीक है, एक तो यहाँ ही उन्होंने कर दिया था कि एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी और को भी मिला है, तो ओपन कम्युनिकेशन चैनल से कोई किसी को भी अगर एक्सेप्शन दिखे तो वाकई रिपोर्ट कर सकता है. फिर इसके बाद में लेस स्ट्रक्चर्ड एंड ईजियर फॉर स्मॉल एंटिटीज़. सो कम्युनिकेशन में भी लेस स्ट्रक्चर्ड एंड ईजियर टू अचीव इन स्मॉल एंटिटी दैन इन लार्ज एंटिटी. ऑब्वियसली बिकॉज स्मॉल एंटिटी में कम लोग होंगे, लार्ज एंटिटी में ज़्यादा लोग होंगे. देयरफॉर जो स्मॉल एंटिटी है उसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है ड्यू टू फ्यूअर लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर विजिबिलिटी. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक ऑडिटर को कंसीडर करनी है जब वो ये चेक करेगा कि कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में ऑडिटर ने कंप्लाई किया है या नहीं किया है. फिर हमारा जो है वो लास्ट एलिमेंट रह गया है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. सो ये जो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स है ये क्या है. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स इज डिफाइंड. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स मतलब मॉनिटर करना, चेक करना. ठीक है, तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़ दैट द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर. अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि एंटिटी ने क्या कंट्रोल लगाए या नहीं लगाए, लगाए या नहीं लगाए. अब कंट्रोल्स तो लगा दिए, पर क्या सिर्फ एंटिटी का कंट्रोल्स लगाने का ही काम है, क्या उसको मॉनिटर करने का काम नहीं है. अब ज़रूरी थोड़ी है कि एक कंट्रोल अगर एक टाइम पे इफेक्टिव है तो दूसरे टाइम पे भी हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो कि वो थ्रू आउट द ऑडिट और यू कैन से थ्रू आउट द वर्क, ठीक है, उसको मॉनिटर करता रहे. ठीक है ना, तो दैट इज़ वाई ऑडिटर को इस बात की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल
परफॉर्मेंस ओवर टाइम की, मतलब कितना इफेक्टिव जो है हमने जो कंट्रोल लगाया कितना इफेक्टिव वो जा रहा है. नाउ हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑन अ टाइमली बेसिस. सो इट इन्वॉल्व्स असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑन अ टाइमली बेसिस एंड टेकिंग नेसेसरी रेमेडियल एक्शंस. तो मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि उनके इंटरनल कंट्रोल्स कहीं जाके इनफेक्टिव हो रहे हैं तो क्या उन्होंने रेमेडियल एक्शंस लिए हैं या नहीं लिए हैं. फिर मैनेजमेंट एकम्प्लिशेज थ्रू ऑन गोइंग एक्टिविटीज सेपरेट इवेल्यूएशन. सो मैनेजमेंट एकम्प्लिशेज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स थ्रू ऑन गोइंग एक्टिविटीज सेपरेट इवेल्यूएशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. तो मैनेजमेंट जो है वो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स कैसे कर सकता है, या तो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ के साथ ही कर सकता है या फिर सेपरेटली इवेल्यूएट कर सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकता है, ठीक है ना. तो ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ आर ऑफन बिल्ड इन टू द नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटिटी एंड इंक्लूड रेगुलर मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़, ठीक है. तो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज अगर सेपरेट इवेल्यूएशन होता है, लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ऑडिट होने वाला होता है किसी स्कूल या हॉस्पिटल का भी, तो उन लोगों को पता होता है कि अगर उन लोगों को पता होता है कि ऑडिटर आ रहा है ऑडिटर आ रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस हिसाब से ही जो लोग हैं वो रिएक्ट करने लगते हैं. तो इसी तरह से अगर कोई कंट्रोल चेक हो रहा है, लाइक आपके स्कूल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेज लाइफ तो क्या ही होती है सीए स्टूडेंट्स की, कि जैसे प्रिंसिपल मैम राउंड पे आती थी तो आपके टीचर अलग तरह से पढ़ाते थे एंड जब वो चली जाती थी तो उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग हो जाता था, ठीक है ना. तो मतलब अगर प्रिंसिपल मैम बता देती आपके प्रिंसिपल मैम या सर जो भी थे कि मैं इतने बजे राउंड पे आऊँगा, तो टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता था, या उन्हें कहीं से पता लग जाता था कि वो राउंड पे, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता था. तो वो क्या करते हैं, मतलब बिना बताए कोशिश करते हैं आने की, राउंड लगाने की और देखने की कि टीचर्स या उनके स्कूल का वर्क कैसा चल रहा है. तो इसी तरह से जो मैनेजमेंट है ये दो तरह से चेकिंग कर सकती है. तो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ जो है वो तब होती हैं जब नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, बस इसमें रेगुलर मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ और ऐड हो जाती हैं, ठीक है. फिर मैनेजमेंट्स मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या आता है, यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज़. तो जब वो मॉनिटर कर रहा है मैनेजमेंट, तो उसको ये सारी बातें जो है इंक्लूड करनी पड़ेंगी, एक्सटर्नल पार्टी से कम्युनिकेशन, जैसे कि कस्टमर की जो कंप्लेन है एंड रेगुलेटर कमेंट्स दैट में इंडिकेट प्रॉब्लम्स और हाईलाइट एरियाज इन नीड फॉर इम्प्रूवमेंट. जैसा कि आप लोग देखते होंगे ऐप्स वगैरह पे, आप लोगों को प्ले स्टोर पे आप जाते हो फीडबैक का आता है, ठीक है ना. तो अब ऐप तो जो है वो बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत लेवल्स पे डिवाइडेड है, कि उस ऐप को जो कंट्रोल करने का है, मैनेज करने का, बहुत लोगों को काम दिया हुआ है, या फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक फ्लिपकार्ट अमेज़न, ठीक है. तो इन सब पे आप लोग देखोगे एक फीडबैक का फॉर्म आपको ज़रूर मिलता है, या कॉमेंट्स का आपको फॉर्म जो है वो ज़रूर मिलता है. तो ये सब जो है जब मैनेजमेंट मॉनिटरिंग करता है ना, उनका मैनेजमेंट भी जब मॉनिटरिंग करता है तो वो इन्हीं सारी चीज़ों को चेक करता है. फिर ये चेक करता है कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं एंड क्या जो कस्टमर है उनकी सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ठीक है. तो जो उनकी कंप्लेंट्स वगैरह है, तो ये सब जो पार्ट होता है ना, ये मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स का ही होता है. हर एक एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स भी लगते हैं, रिस्क भी होती है, बस उस रिस्क को कम करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल्स लगाता है. तो उनको मॉनिटर करना भी तो पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे मॉनिटर करेगा, ठीक है ना. फिर इसके बाद में, इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज़ मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज ऑफन अकम्प्लिश बाय मैनेजमेंट और द ओनर्स मैनेजर क्लोज इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन. सो दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफन विल आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट वेरियंसेज फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस एंड इनएक्यूरेसीज इन फाइनेंशियल डेटा लीडिंग टू रेमेडियल एक्शन टू द कंट्रोल. तो इसमें ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो स्मॉल एंटिटी का केस है, तो मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज ऑफन अकम्प्लिश बाय मैनेजमेंट. तो अगर स्मॉल एंटिटी तो या तो वो मैनेजमेंट कर देगा या ओनर मैनेजर कर देगा, ठीक है. मतलब ओनर ही मैनेजर होता है ना सपोज अगर स्मॉल एंटिटीज़ में, तो वो खुद ही कर लेगा क्लोज इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन. सो दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफन विल आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट वेरियंसेस फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस. तो इससे जैसे यू कैन से सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसमें वही ओनर है वही मैनेजर है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वेरियंस देख सकते हैं कि इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड इनएक्यूरेसीज भी जो है वो फटाफट पता कर सकता है एंड रिमेडियल एक्शन तक ठीक से पहुंच सकता है. तो ये सब जो हो गई, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उसको मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स कैसे करना है एंड ऑडिटर को इन सारी की सारी बातों की क्या लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए. फिर इसके बाद में मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स इफ द एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन. तो ये तो हमारी थी जनरल, ठीक है, जनरल जो कंट्रोल्स हमने लगाए हैं वो. अब अगर एंटिटी है वो ही इंटरनल ऑडिट कर रही है, ऑडिट भी आप लोगों को पता है ना कि दो टाइप का होता है, एक इंटरनल ऑडिट और एक तो जो आउटसाइडर्स ऑडिट जाके करते हैं वो, ठीक है ना. तो अगर इंटरनल ऑडिट है ये तो तब हो गया कि जब उन्होंने कंट्रोल्स लगाए तो उसकी मॉनिटरिंग, बट अगर एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल है तब. सो इफ द एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ
तो ऑडिटर को किन किन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए? द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन फिट्स इन द एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो मतलब जो इंटरनल ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं एंड कैसे वो एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फिट हो रही है एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म और टू बी परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस. तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये एक ऑडिटर को इन सारी की सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी अगर कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है. फिर उसके बाद में द फॉलोइंग मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड. तो इंटरनल ऑडिट है तो मतलब उसको क्या क्या पॉइंट्स बेसिकली ध्यान में रखने चाहिए. तो इंटरनल ऑडिट रेलिवेंट टू द ऑडिट द एंटिटीज इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लाइकली टू बी रेलिवेंट टू द ऑडिट अगर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर रिलेटेड टू एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब इंटरनल ऑडिट आप कितना ही कराते रहो लेकिन ऑडिटर तो उन्हीं कंट्रोल से कंसिडर होता है जो उसके मतलब के होते हैं. तो इसमें ये लोग वही बोल रहे हैं कि वो एक्टिविटीज़ जो एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हैं वो. ऑल्सो इफ द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू यूज़ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स टू मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म तो उस केस में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से सावधानी बरतते हुए करना चाहिए. सो व्हेन द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लाइकली टू बी रिलेवेंट तो SA-610 जो है वो आपका अप्लाई हो जाता है. फिर उसके बाद में साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट. तो ये इंटरनल ऑडिट जो है आपका डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का ही नहीं. फिर उसके बाद में इंटरनल ऑडिट फंक्शन में इंक्लूड. अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या हो सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन में इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस. तो ये सारी की सारी बातें इंटरनल ऑडिट में तो हो ही जाती हैं. तो इंटरनल ऑडिट एक तरह से खुद ही मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स हुआ. तो इसमें बस ये लोग ये कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स और क्या करोगे आप? तो इसमें और यही करेंगे कि मतलब उन्होंने जो है अगर जो इंटरनल ऑडिटर हैं उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करा है या उनकी ओपिनियन को आप यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, यही सब है, ठीक है ना. फिर इसके बाद में ऑन द अदर हैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन मे बी लिमिटेड टू द रिव्यू ऑफ इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल एंड अकॉर्डिंगली मे नॉट रिलेट टू द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो बस अगर वो लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से इंटरनल ऑडिट फंक्शन होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे वरना हम नहीं करेंगे. फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज. तो इफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिलेटेड टू द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से अगर ये रिलेट हो रही है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आर रिलेटेड टू एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द एक्सटर्नल ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म मे इंक्लूड रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्लान फॉर द पीरियड. तो अगर मतलब उससे रिलेटेड है या उनके बेसिस पे आप कर रहे हो एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनल ऑडिट के बेसिस पे तो आपको ये सारी की सारी बातों का रिव्यू करना पड़ेगा. फिर उसके बाद में सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड. तो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी पॉजिटिव फैक्टर व्हेन द ऑडिटर असेसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो मतलब अगर ऑडिटर को लग रहा है कि वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसको लग रहा है कि जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो तो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है. हाउएवर ऑल्दो इट मे हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड अ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप फटाफट डिटेक्ट कर ही लोगे फ्रॉड. नहीं, कुछ छुपे हुए फ्रॉड हैं, वो छुपे हुए भी रह सकते हैं, तो एक रीजनेबल एश्योरेंस ही आपको मिल सकती है. कन्वर्सली डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. और अगर इस कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी कोई डिफिशियंसी है तो वो आपके सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं उसको इनइफेक्टिव कर देगा, इन पर्टिकुलर इन रिलेशन टू फ्रॉड. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशियंट रीजंस टू एड्रेस IT सिक्योरिटी रिस्क. अगर मतलब मैनेजमेंट फेल हो गया IT सिक्योरिटी रिस्क लेके तो उसके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं. बाय अलाउइंग इम्प्रॉपर चेंजेस जैसे कोई कर सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, ठीक है, साइबर अटैक टाइप का, और टू डेटा एंड अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स टू बी प्रोसेस, ठीक है. तो एज एक्सप्लेन इन 330 द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो इसमें बस यही बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो ऑडिट एनवायरनमेंट सॉरी जो कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर उसी में डेफिशिएंसी तो आपके जो कंट्रोल्स हैं वो तो इनफेक्टिव हो ही जाएंगे. जैसे कि इन्होंने बोला है कि जो आपका अगर कोई साइबर अटैक हो गया IT सिस्टम है और उसमें साइबर अटैक हो गया तो आपके कंट्रोल्स तो वेस्ट ही हो गए. तो इसमें इन्होंने बोला है एज एक्सप्लेन इन SA-330 द कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो आपका नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो है ऑडिट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. ऑब्वियसली करेगा ना, बिकॉज अगर लगेगा ऑडिटर को कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो उस हिसाब से अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा.
नहीं है तो उस हिसाब से। फिर इसके बाद में द कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इट मे हावर इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल्स। ये अपने आप में नहीं करता, हाँ बट ये हेल्प कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। एंड देयर वाज ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड द ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज। तो इसमें सिर्फ इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, सिर्फ हम जो इसका कंट्रोल एनवायरनमेंट के बेसिस पे है, ये इससे हम कुछ भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट डिटेक्ट या करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको ये जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो योर टॉपिक नंबर 3 इज़ फाइनली ओवर एंड अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। सो द एक्सप्लेनेशन फॉर माई नॉर्थ इंडिया और यू कैन से द रेस्ट ऑफ इंडिया इंडियंस हैज ओवर एंड नाउ द एक्सप्लेनेशन स्टार्ट्स फॉर माई साउथ इंडियन स्टूडेंट्स इन इंग्लिश।